टूलकिट पछर खलनायक किए देश को बदनाम करने कहार थिला चाल कोरोना लड़ई को दुर्बल करने को किए रची षड्यंत्र कुंभमेला को बदनाम करने को किए बनाई टूलकिट ए सबू प्रश्न उपरू पर्दा उठाई बीजेपी बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र प्रमाण सह टूलकिट प्रस्तुतकर्ता नार पर्दाफाश कर देश को बदनाम करने उद्दिष्ट टूलकिट्र प्रस्तुतकर्ता है सौम्या वर्मा एवं प्रश्न उठू किए सौम्या वर्मा बीजेपी दावी सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद राजीव गौड़ा ऑफिस रे काम करती जे कांग्रेस रे रिसर्च काम देखती किसी फोटो उपस्थापन करी बीजेपी दावी कर सौम्या वर्मा कांग्रेस रिसर्च विंग्र जड़े गुरुत्वपूर्ण सदस्य तांकर कांग्रेस पार्टी सह सीधासलख संपर्क अच्छे अर्थात टूलकिट कांग्रेस ही तैयारी करी बीजेपी दावी बीजेपी पूर्व दावी कर टूलकिट प्रस्तुति पछरे रही कांग्रेस हाथ आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूलकिट था उसका ऑथर आज सामने आया है सौम्या वर्मा डज शी वर्क इन AICC रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट इज द आंसर व्हिच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है और क्या वो इस टूलकिट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। यहाँ पर राजीव गौड़ा सफाई दे चंती हमें पार्टी संपर्क करे सेंट्रल भिस्टा रे एक रिसर्च नोट प्रस्तुत करथिलु जहां सत ओ तथ्य भित्तिक यहाँ बीजेपी रो चाल बोली से अभियोग कर किंतु संबित पात्र टूलकिट और सेंट्रल भिस्टा डॉक्यूमेंट उभय देखाई केउटी असली केउटी नकली ताहा प्रमाणित करबा को चेष्टा करिसेंती। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहाँ बैठी हुई है दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ, वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल हैं। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो और यूं कहा जाए तो ये जो टूलकिट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ, मैडम यहाँ बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। आप एक दूसरी तस्वीर भी देख सकती हैं, इसमें भी आप सौम्या वर्मा जी को पूरे रिसर्च AICC रिसर्च टीम के साथ जो प्रोफेसर राजीव गौड़ा हेड करते हैं, बीच में आप देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव गौड़ा बैठे हैं और बाकी पूरी टीम के साथ सौम्या वर्मा जी को भी आप देख सकते हैं इसमें। और भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए प्रोफेसर राजीव गौड़ा के साथ सौम्या वर्मा जी बिल्कुल उनके साथ मौजूद हैं और ये पूरी टूलकिट गैंग, यहाँ आप टूलकिट गैंग को भी देख सकते हैं, ये वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना, किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर झूठ फैलाना, वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ फैलाना, किस प्रकार मोदी जी के इमेज को टार्निश करने का प्रयास करना, इस सब का जो निर्माता है, जो ऑथर है, वो ये गैंग है। टुडे बीजेपी इज क्लेमिंग द फॉल्स प्रोपेगेंडा इज डन बाय कांग्रेस। वी आर नॉट मेकिंग एनी फॉल्स प्रोपेगेंडा। व्हाट एवर प्राइम मिनिस्टर हैज टोल्ड when he was concentrating on election, but he has not taken any serious about second wave. He has not informed to anybody. Our Congress has done a good job to put in case and let them, the judiciary will give a lesson to this government. जो समय प्रधानमंत्री मोदी कोरोना मुकाबला नहीं जिला पलमानंक सह आलोचना करथुले ठीक सेतिक बेले देशर राजनीति रे टूलकिट को नहीं उठीथिला झड़। देश प्रधानमंत्री को बदनाम करिवार स्क्रिप्ट सोशल मीडिया रे लीक हो सारीथिला। पीएम का छवि खराब करिवा को विदेशी को सह मिसी षड्यंत्र रचिबा जाए पॉइंट बाय पॉइंट सबु किछि थिला ही टूल किट रे। ए टूल किट रे सबुठु बड़ षड्यंत्र थिला कुंभमेला को नै। कुंभमेला सुपर स्प्रेडर, कुंभरु देश रे व्यापिला कोरोना। आउ जदि सतरे ही टूल किट कांग्रेस प्रस्तुत करछि ताले कण कोरोना बहाना थिला आउ कुंभ थिला निशाना। या को कड़ा शब्द रे निंदा करछंती जोगो गुरु स्वामी रामदेव। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं सारे
देश के लोगों से व्यवहार करता कि ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर के बहिष्कार और विरोध करना चाहिए। सेपटे मामला पहुंची सुप्रीम कोर्ट रे आवेदनकारी एनआईए द्वारा पूरा घटनार जांच पाई कोर्ट को अनुरोध कर एकता मध्य आवेदन करा जाय छि जे यदि कांग्रेस दोषी प्रमाणित हुए ताहले तारा मान्यता रद्द करा जाऊ। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।